हेलो दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन आपको घबराने की कोई बात नहीं। इसमें आपको सही तरीके से समझाया गया है, इसलिए वीडियो को स्किप करके ना देखें, रेगुलर वीडियो देखें। और आज की वीडियो में आज का राजस्थान के इतिहास का अलेक्जेंडर तक टॉपिक समाप्त हो जाएगा। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला टॉपिक है हमारा वैदिक काल। वैदिक काल, वैदिक काल का मतलब होता है जो वेदों से संबंधित होता है। उस काल में जो दिया गया है या वेदों में जो बताया गया है, उस संपूर्ण काल को वैदिक काल कहा जाता है। भारत में आर्यों का आगमन, कहना मतलब मानव या समाज की, जो ब्राह्मण समाज या उच्च कुल की जातियों का आगमन 2000 ईस्वी में माना जाता है। भारत के अंदर 2000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व के मध्य हुआ है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब के क्षेत्र में बसे, उसके बाद कुरुक्षेत्र के आसपास के प्रदेशों में बसे। ऋग्वेद में सरस्वती तथा चैथांग का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी मानी गई है, और उसे सिंधु माता है, नदियों की माता, तथा नदी तमाया नदियों में सबसे आगे कहा गया है। ऋग्वेद के सप्तम मंडल की रचना सरस्वती नदी के तट, नदी के पर घग्गर उपत्यका में हुई है। आर्यों में राजस्थान में आकर बसने का प्रमाण अनूपगढ़, चाक आदि स्थलों की खुदाई से मिलते हैं। यह वैदिक काल के अंदर। अब वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी या सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती, जिसे गग्गर के नाम से भी जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सरस्वती या गग्गर नदी कहाँ पर है, तो राजस्थान के मरु प्रदेश से थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, उसके अंदर बहती थी प्राचीन समय के अंदर। उस नदी को सरस्वती नदी या सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, आज नाम से जाना जाता। अब आपको दिया गया है एक ऋग्वेद के सप्तम मंडल। सप्तम मंडल हैं ऋग्वेद के, अलग अलग भागों को बोलते हैं, जैसे 1, 2, 3 भाग बोलते हैं हमारे वर्तमान समय में, लेकिन प्राचीन समय में उन भागों को मंडल के नाम से जाना जाता था। जो ऋग्वेद के सप्तम भाग के अंदर सरस्वती नदी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। और आर्यों, आर्यों का सर्वप्रथम पंजाब में प्रवेश हुआ है भारत के अंदर तो, लेकिन राजस्थान के अंदर आर्यों का मिलना अनूपगढ़ या चाकन आदि स्थलों पर खुदाई के सामानों से या खुदाई की वस्तुओं से पता चलता है कि यहाँ पर सबसे पहले आर्य आए थे। ये कोई फिक्स नहीं है। अब दूसरा आता है महाकाव्य काल। महाकाव्य, पहले महाकाव्य राजस्थान में या भारतीय संस्कृति के अंदर रामायण महाभारत को महाकाव्य कहा जाता है, जो राजस्थान के स्वरूप या निर्माण के समय महाकाव्य या महाकाव्य के बारे में बताया गया है कि रामायण में भी कि राजस्थान के उस समय मरुकांतर का निर्माण कैसे हुआ, महाभारत में भी बताया गया है। ये सभी केवल एक प्रतात्विक अवशेषों या अनुमान लगाया गया है या महाकाव्य में बताया गया है, ये कोई डिटेल में या कहीं लिखित नहीं है, ये केवल अनुमान लगाया गया है। रामायण, रामायण की रचना किसने की थी, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। आदिम महाकाव्य या रामायण, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। आदि महाकाव्य रामायण के अनुसार वनवास के समय भगवान राम ने वर्तमान जयपुर दक्षिण पूर्व की ओर स्थित रामेश्वर तीर्थ पर यात्रा करते हुए एक रात बिताई थी। कहना मतलब इससे संबंधित एक कथा है, जिससे माना जाता है कि राजस्थान में मरुकांता या रेगिस्तान का निर्माण कैसे हुआ। और इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रामायण कौन सा काव्य, महाकाव्य, आदि महाकाव्य है कौन सा, आदि महाकाव्य। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि ऐसा माना जाता है, लोग द्वारा कहते हैं या प्रतात्विकों का अनुमान है कि जब भगवान राम की पत्नी सीता को रावण लंका ले गया, तब उसे खोजते खोजते हुए श्री राम एक समुद्र किनारे, जिसे रामेश्वर तीर्थ के नाम, उस स्थान पर एक रात बिताई थी। उस स्थान को रामेश्वर तीर्थ कहा जाता है। उस समुद्र से दूसरे किनारे पर लंका, लंका है, उस लंका है, उस समुद्र को पार करने के लिए भगवान राम ने वहाँ पर भगवान शिव की प्रार्थना की, आराध्या की है एक दिन तक, लेकिन फिर भी समुद्र ने कोई हल नहीं बताया कि रास्ता कैसे बनाया, क्या करें। तब भगवान राम क्रोधित होकर अमोघ बाण चलाने लगे समुद्र पर, समुद्र को सुखा सकती है। तो समुद्र ने दर्शन देकर
कहा कि इस पे सेतु बनाया जाए पत्थरों का जो अपने आप जुड़ जाएगा। तो फिर श्री राम ने पूछा कि इस अमोघ बाण को कहाँ पर छोड़ा जाए या कहाँ पर चलाया जाए, क्योंकि एक बार धनुष पर बाण लगने के बाद उसे छोड़ना पड़ता है। तो समुद्र ने बताया कि पश्चिमी उत्तर में छोड़ा जाए। तो पहले ही भगवान राम ने बता दिया था कि ये बाण जहाँ भी जाएगी वहाँ पर केवल निर्जन वन हो जाएगा। कहने का मतलब वहाँ पर वर्षा वर्षा हरी हरियाली कुछ नहीं, समाप्त सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो श्री राम ने पश्चिमी उत्तर में उस बाण को चलाने के कारण जो आज का मरुकांत है या थार का मरुस्थल कहा जाता है उसका निर्माण, यहाँ से भगवान राम के बाण के कारण थार मरुस्थल निर्माण हुआ है। ये केवल एक अनुमान या प्रतात्विकों का मानना भी है कि हाँ जिस अभी वर्तमान में जो थार का मरुस्थल है वहाँ पहले कभी समुद्र हुआ करता था या नदियाँ बहती थी, यह भी एक अनुमान माना गया है महाकाव्य के अंदर। और दूसरा महाकाव्य है महाभारत। महाभारत में भी इसी प्रकार की कथा है जुड़ी हुई है, जो एक कथा है उसके अनुसार रास्ता का निर्माण इन्हीं के कारण हुआ है। महाभारत, महाभारत एक वेद व्यास जी द्वारा रचित है। महाभारत के अंदर भी इसी प्रकार की कथाएँ जुड़ी हुई है जो रामायण के अंदर जुड़ी हुई थी। महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की है। महाभारत के अंदर पांच पांडवों की जीवन शैली के बारे में बताया गया है कि उन्होंने किस तरह अपने जीवन में संघर्ष किया है। महाकाव्य महाभारत में वर्तमान दास्तान में स्थित राज्य कुरु, कुरु जो वर्तमान में राजस्थान का अलवर का उत्तरी भाग है वो कुरुक्षेत्र कहलाता है, और जांगल देश बीकानेर जोधपुर का उत्तरी भाग कहलाता है, और मत्स्य देश जयपुर का उत्तरी भाग कहलाता है, और शूरसेन भरतपुर धौलपुर करौली का भाग कहलाता है, और शालपुत्र जो अलदार है मध्यमिका, मध्यमिका का दो प्रकार से अर्थ लिया जाता है, तो राजस्थान में चित्तौड़ के निकट लिए निकट का स्थान माना जाता है, और जबकि मध्यमिका एक का अर्थ होता है नगरी, जो किसी राज्य की एक प्रमुख नगरी या राजधानी हो सकती है का उल्लेख मिलता है। इस बारे में महाभारत में बताया गया है कि पांच पांडव थे जो बाद में पांडव और कौरव का युद्ध होने के बाद सभी अपने अपने अलग अलग राज्यों में जब पांच पांडव और कौरव का युद्ध होने के बाद पांचों पांडव ने अपने अपने अलग अलग राज्यों की स्थापना की, और बाद में उनमें युद्ध होने के कारण अपने आपस में युद्ध होने के कारण वे अलग अलग राज्यों को अपने निर्माण किया, जिससे बाद में जो थार के मरुस्थल का है वो वीरान होता गया, और वहाँ पर पानी आदि बाढ़ भूकंप के कारण उस स्थान को छोड़कर चले गए। धीरे धीरे पूरा एक स्थान वीरान हो गया, जो भी थार का वर्तमान थार का मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है या है वर्तमान में। अब दूसरा टॉपिक है महाजनपद काल। महाजनपद काल का मतलब अंगुत्तर निकाय और अंगुत्तर निकाय या गीता सुप्त के भगवती सुप्त के अंदर महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उस समय में माना जाता है कि 16 महाजनपद थे, इनका लिखित में भी साक्ष्य मिला है प्रतात्वेताओं को, ये तो फिक्स है कि 16 महाजनपद है। ये केवल बौद्ध धर्म या बुद्ध की रचनाओं से संबंधित है कि उसके अंदर कौन सी संस्कृति पाई जाती है, कौन सा धर्म पाया जाता है, कौन से संस्कार होने चाहिए आदि के बारे में अंगुत्तर निकाय के अंदर बताया गया। और इन 16 महाजनपदों में कहने मतलब जो जनता के ऊपर राज्य करते थे उनके संस्कारों के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में फुल इंफॉर्मेशन दी गई है महाजनपदों में। महाजनपद काल, महाजनपद काल बौद्ध रचना है जो अंगुत्तर निकाय व जैन रचना भगवती सुप्त में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, और 16 महाजनपदों में से मत्स्य व अवंती राजस्थान में स्थित है। यहाँ 16 महाजनपदों में से केवल राजस्थान में दो ही महाजनपद है, एक तो अवंती और मत्स्य मत्स्य है। इस टॉपिक के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट अंगुत्तर निकाय किसका है, किसकी रचना है, बौद्ध रचना है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि भगवती सुप्त है किसकी रचना है, जैन रचना है, केवल जैन जैन यानी ब्राह्मणों की रचना है। इनमें 16 महाजनपदों की उल्लेख मिलता है। मत्स्य,
मत्स्य का इसके अंदर फुल इंफॉर्मेशन दी गई है, इसमें कौन से राजा हुए, क्या हुए हैं, सबके बारे में बताया गया है। मत्स्य विराट नामक संस्थापक के नाम पर मत्स्य महाजनपद की रचन की राजधानी का नाम विराट नगर जयपुर में पड़ा था। विराट नगर को वैराट बैराट भी कहा गया है। मत्स्य कभी चेदी महाजनपद के अधीन था, फिर बाद में स्वतंत्र हो गया। क्रूर व शूरसेन महाजनपदों के पतन के दौर में मत्स्य महाजनपद का क्षेत्र विस्तार हुआ। फलस्वरूप मत्स्य की राजधानी विराट नगर बड़ी समृद्ध हो गई और साहित्यिक स्रोतों में उल्लेखित अपर मत्स्यन वीर मत्स्य इस महाजनपद की शाखाएं थी। वैराट के पास बीजक की पहाड़ियों पर गोलाकार बौद्ध मंदिर मिलता है, जो ईंटों का बना है। यह रास्ता का प्राचीनतम मंदिर माना गया है। कहने मतलब इसमें फुल इंफॉर्मेशन दी गई है। और इसका सबसे प्रमुख क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, विराट नामक संस्थापक ने मत्स्य की स्थापना की, मत्स्य राज्य की स्थापना की विराट नामक के नाम की व्यक्ति ने की थी। और इसकी राजधानी कहाँ रखी गई, वर्तमान में जयपुर है, लेकिन इसे विराट नगर भी कहा जाता है। विराट नगर का प्राचीन नाम क्या था, एक तो बैराट था और वैराट के नाम से भी जाना जाता जाता था। और एक मत्स्य कभी चेदी, यानी मत्स्य किसके अधीन रहा है, चेदी महाजनपद के अधीन रहा है। लेकिन जब सूरसेन और कुरुक्षेत्र का पतन होने लगा, तब मत्स्य महाजनपद ने अपने विस्तार किया और साहित्यिक स्रोतों में इसको दोनों शाखाएँ मानी गई है, अपर मत्स्य और वीर मत्स्य के नाम से भी जाना जाता है। और जो इस महाजनपद में जो मंदिर मिला है, ईंटों को बना हुआ, और रास्ता का सबसे प्राचीनतम मंदिर है, सबसे प्राचीनतम मंदिर है माना गया है। दूसरा है अवंती। दूसरा कौन सा, अवंती है, अवंती अवंती महाजनपद के भाग थे दो है, एक उत्तरी अवंती और दक्षिण अवंती। अवंती नरेश चंद द्योपाध्याय महात्मा बुद्ध का समकालीन था। महात्मा बुद्ध समकालीन के लिए मतलब महात्मा बुद्ध की तरह दिखता नहीं था, उसमें महात्मा बुद्ध की तरह गुण थे। जिस प्रकार महात्मा बुद्ध ने ब्राह्मण बौद्ध धर्म का उत्थान किया, उसी प्रकार ने भी बौद्ध धर्म का विस्तार आदि किया था। चंड उपाध्याय विस्तारवादी था, उसने राज्य विस्तार किया। अवंती के चरण उत्कर्षण काल में उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत समूचा पूर्वी राजस्थान, मालवा प्रदेश, मध्य प्रदेश, बुंदेल मार्गों के भाग शामिल थे। और सूरसेन और मत्स्य भी किसी न किसी रूप में अवंती के प्रभाव क्षेत्र में थे। अवंती बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। इसका आर्थिक महत्व भी था, क्योंकि अनेक व्यापारी मार्ग इस प्रदेश केंद्र का था। इसका आर्थिक महत्व भी था, क्योंकि अनेक व्यापारी मार्ग इस प्रदेश से होकर गुजरते थे। मगध नरेश शिशुनाग के समय इस मगध में मिल गया। इसके अंदर इस टॉपिक में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि अवंती महाजनपद कितने भाग थे, दो भाग थे, उत्तरी अवंती और एक दक्षिण अवंती। चौथा, इसका राज नरेश कौन था, चंड पदेपाध्याय था, जो किसके समकालीन था, महात्मा बुद्ध के समकालीन था। और इसका चरण उत्कर्षण, जिस प्रकार टांग से लेकर सिर तक अपना शरीर का विकास होता, उसी प्रकार अवंती का विकास भी चंड उत्तरपदाय के समय बहुत तेजी से हुआ। और सभी क्षेत्रों में, कहना मतलब साहित्य, भूगोल, विज्ञान, अर्थव्यवस्था आदि का विकास भी इसी समय हुआ हुआ था। और मगध नरेश शिशुनाग के समय इसे किस में मिला लिया गया, मगध में मिला लिया गया था अवंती को। और ये व्यापारिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण महाजनपद माना गया है। अब इसी तरह पंजाब के मालवा, एक तो पंजाब में मालवा, सिब्बी में अर्जुन नारायण, अयोध्या का राजस्थान में स्थानांतरित करना, मतलब इनका अलग अलग क्षेत्र राजस्थान में मिलना शुरू हो गया था। कब, 327 ईस्वी में सिकंदर मान के आक्रमण के कारण पंजाब में कई जातियों ने अपने सुरक्षा वंश को बचाए रखने के लिए राजस्थान की ओर बढ़े और वही बस गए, जिनसे मालव, सिब्बी, अर्जुन नारायण, अयोध्या आदि प्रमुख थे। 327 ईस्वी के अंदर सिकंदर मान, जिसे अंग्रेजी भाषा में या अंग्रेजी कथाओं में अलेक्जेंडर द, ओके, 327 ईस्वी में सिकंदर मान जो अलेक्जेंडर ऑफ द वर्ड, या कि उनके नाम किंग के नाम से भी जाना जाता है, जो 327 ईस्वी में
भारत की ओर कूच किया, जिसके कारण अनेक जातियाँ जैसे सिब्बी, अर्जुन नैन, औधे और अन्य भी जातियाँ जो कि राजस्थान की ओर पलायन करने लगी थी, क्योंकि राजस्थान भारत का सबसे पश्चिमी भाग में रहा है। इसी कारण वहाँ पर सिकंदर महान आते आते वो टाइम लगता है। उन्होंने अपना वंशज को बचाए रखने या अपनी जाति का स्वच्छ बनाए रखने के लिए उन्होंने राजस्थान में प्रवेश किया। और 326 ईस्वी में भी सिकंदर महान ने भारत में प्रवेश कर लिया था। सिकंदर महान के बारे में कहा जाता है कि जब वह कहीं भी युद्ध करता था तो उससे पहले वो जिस जगह युद्ध करता था, वो जिस जिस वस्तु से उस स्थान पे आता था उसको जला देता है। कहना मतलब जब नदी पार करता था वहाँ पर जो जहाज बसते या नाव बसते थे उनको वो वहीं जला देता था। कहना मतलब उनके सैनिकों या सैनिक नायकों के लिए भागने की कोई स्थान नहीं था, उनको युद्ध जीतना पड़ता था। जीतना ही था, ये एक लक्ष्य बन जाता था उनके लिए, ऐसा कहा जाता है सिकंदर महान के बारे में। और जो प्रमुख जातियाँ जो राजस्थान में प्रवेश किए हुए हैं, तो पंजाब से मालव, सिब्बी और अर्जुन नैन व औधे राजस्थान के अंदर आए थे। ये उस समय आने वाली सर्वप्रथम जातियाँ जो राजस्थान में प्रवेश की थी। अब सबसे पहले मालवा, मालवा के अंदर मालवा सबसे पहले राजस्थान में प्रवेश किए थे। वो कहाँ कहाँ की थी और किस सन में की थी इसके बारे में बताया गया है। मालवा ने वागर चाल और नगर आदि स्थानों पर अधिकार कर लिया था जो जयपुर संभाग में थे। कहना है मतलब ये जाति दूसरे राज्यों से आकर राजस्थान में इन स्थानों पर अपना कब्जा कर लिया, अपना अधिकार कर लिया था। बाद में इन्होंने टोंक, अजमेर, मेवाड़ पर भी उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। रेड के उत्खनन से प्राप्त सामग्रियों से इनकी प्रभुता की जानकारी मिलती है। रेड के अंदर जयपुर के अंदर एक प्राप्त होने वाला एक धातु या है जो राजस्थान केवल केवल जयपुर में मिलता है। ये राजस्थान में मालवा ने वागर चाल, नगर आदि स्थानों पर अधिकार कर लिया जो जयपुर संभाग में है। बाद में टोंक, अजमेर व मेवाड़ पर भी उन्होंने आधिपत्य स्थापित कर लिया। रेड के उत्खनन में प्राप्त सामग्रियों से इनकी प्रभुता की जानकारी मिलती है। यह राजस्थान में 130 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व तक स्वतंत्र शक्ति के रूप में बने रहे, जो यहाँ मिलने वाले सिक्के वे यूप स्तंभों से प्रमाणित है। मालव ब्राह्मण धर्म के नए थे। रेड जो जयपुरी के इलाके में मिलने वाला एक उत्खनन है, तब मालव ब्राह्मण धर्म के नए नए यानी उपासक, जिसे हम जैसे मंदिरों में भी हिंदू समाज के व्यक्ति मंदिरों में जाते हैं तो हम भगवान के अन्य हैं, उसी प्रकार ये भी ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। सिब्बी ने चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र का अधिकार कर लिया और मध्यमिका उसका प्रमुख नगर केंद्र था, जो दोहरी सदी ईस्वी पूर्व से 400 सदी ईस्वी तक मध्यमिका का सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में महत्व तो बना रहा। मध्यमिका यानी एक दो अर्थ होते हैं मध्यमिका का, एक तो नगरी और एक चित्तौड़। तो सिब्बी का मतलब यहाँ मध्यमिका मतलब चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र पर सिब्बियों का आधिपत्य रहा। विक्रम संवत के अंदर 57+ करने पर ईस्वी सन आ जाते हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक है कि ईस्वी सन में अगर 57+ करते हैं विक्रम संवत आ जाती है, और विक्रम संवत में जैसे 57- करते हैं तो ईस्वी सन आ जाता है। अर्जुन नयन एवं अयोध्या ये दोनों भी जातियाँ हैं जो कि राजस्थान में प्रवेश की थी अलेक्जेंडर के समय, ग्रेट द अलेक्जेंडर सिकंदर महान के समय। अर्जुन नयन एवं अयोध्या ने राजस्थान में प्रवेश किया है। अर्जुन नयन ने भरतपुर अलवर क्षेत्र तथा अयोध्या ने गंगानगर बीकानेर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। अयोध्या और चामुंडा के उपासक थे। चामुंडा अयोध्या किसके थे? चामुंडा की। चामुंडा यानी एक शक्ति का उपासक होते हैं या देवता है या ईश्वर है, जिसे हम भी मानते हैं जैसे बालाजी बेरोजी आदि के। उस समय अयोध्या जाति के चामुंडा को मानते थे, अयोध्या चामुंडा के उपासक थे। जैसे हम बालाजी बेरोजी आदि को मानते हैं वैसे ही अयोध्या समाज या जाति
चामुंडा माता को मानती थी एक शक्ति पर शक्ति का उपाय। जैन कथाओं के अनुसार अर्जुन नैन ने शकों और कुषाणों से मोर्चा लिया था। ये केवल कथाओं के अंदर है, कहीं लिखित नहीं मिला है कि अर्जुन ने औद्धव ने कि शकों और कुषाणों से युद्ध किया था या विजय प्राप्त की थी। ये कोई पिक्स नहीं है, ये केवल कथाओं के अंदर दी जाती है, बताया जाता है। इनके सिक्कों से इनकी युद्ध प्रियता, सेनाध्यक्ष की प्रमुखता प्रकाश डाला गया। उस समय के जो सिक्के मिले हैं उनमें केवल अर्जुन नारायण और औद्धव जाति के योद्धाओं की युद्ध प्रियता यानी युद्ध कौशल की नीति आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और सेना अध्यक्ष यानी सैनिकों की नेतृत्व करने वाला भी प्रमुख माना गया है। हम इस वीडियो की पीडीएफ को पुनः एक बार शॉर्टकट के तरीके से दोहराते हैं क्योंकि पीडीएफ जरूर लंबी हो गई, इसके एक बार दोहराना हो सका। पहला काल होता है वैदिक काल। वैदिक काल वैदिक काल की वैदिक काल वैदिक काल में वेदों से संबंधित ज्ञान के बारे में बताया गया है। भारत में आर्य आगमन 2000 ईस्वी से 1500 ईस्वी के मध्य माना गया है तथा इनके अंदर इसका प्रमुख जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। और आर्यों का राजस्थान में आकर बसने या सर्वप्रथम परमाणुगढ़ और चाकन के आदि स्थलों की खुदाई में की गई वस्तुओं से जानकारी प्राप्त होती है। महाकाव्य काल। महाकाव्य काल के अंदर रामायण और महाभारत दो काव्य की बारे में बताया गया है, जो इनकी कथाओं अनुसार इनकी कथाओं पर ध्यान दिया गया है। रामायण की रचना तो वाल्मीकि ने की है जो कि एक आदिम महाकाव्य है। रामायण केवल एक आदिम महाकाव्य है। महाभारत की रचना वेदव्यास जी ने की है जो एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। और महाजनपद काल, जो महाजनपद काल के अंदर मुनियों के बारे में बताया गया है। बौद्ध रचना अंगुत्तर निकाय और जैन रचना भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से 2 16 महाजनपद केवल राजस्थान में, दो की सीमा है तो मत्स्य और अगवंती। मत्स्य के संस्थापक तो थे विराट नामक संस्थापक, विराट नाम के व्यक्ति ने मत्स्य की स्थापना की थी, मत्स्य महाजनपद की स्थापना की थी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर जो वर्तमान जयपुर में पड़ता है। विराट नगर को विराट है विराट के नाम से भी जाना जाता है। साहित्य स्रोतों में मत्स्य के 2 उपशाखाओं का उल्लेख मिलता है, तो अपर मत्स्य और एक वीर मत्स्य का मिलता है। विराट के बाद विजय की पहाड़ियों पर एक गोलाकार बौद्ध मंदिर मिला है जो कि जो ईंटों का बना रास्ता में सबसे प्राचीन मंदिरों के अंदर गिना जाता है। यह सबसे प्राचीन मंदिर है। अवंती 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 महाजनपद के भाग 2, एक उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती तथा यहाँ का नरेश था चंडोपाध्याय प्रत्योदय, जिसके काल में इसका संपूर्ण क्षेत्रों में विकास हुआ है। विज्ञान साहित्य मुद्राओं अर्थव्यवस्था आदि के अंदर अवंती का संपूर्ण विकास हुआ था। और मगध नरेश शिशुनाग के समय ही मगध में अवंती को मिला लिया गया था। पंजाब में मालवा सिब्बे अर्जुन नारायण औद्धव जाति का स्थानांतर राजस्थान में प्रमुख हुआ है, जो कि केवल 327 के समय अलग अलग अलेक्जेंडर द मा ग्रेट यानी सिकंदर के समय भारत पर आक्रमण किया गया। इसी समय इन जातियों ने अपना क्षेत्र या अपना निवास स्थान छोड़कर राजस्थान की ओर प्रवेश किया है। मालवा सिब्बे अर्जुन नारायण देने और अपने अपने नेतृत्व में राजस्थान के अनेक सिक्कों पर अनेक जगहों या पर अपना अधिकार कर लिया है। जैसे मालवा में राजस्थान मालवा जाति ने राजस्थान में 130 से 140 ईस्वी तक स्वतंत्र शक्ति के रूप में बने रहे। ज्ञान कहने वाला अपना कुछ स्वयं का एक राज्य बना लिया, जो ये जाति एक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, उन्हें सुरक्षा देती थी या उनके संबंधित कार्य करती थी। और सिब्बी सिब्बी का क्षेत्र चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र में माना गया है, जो भी एक महत्वपूर्ण राज्य या सांस्कृतिक रूप में भी प्रचलित है। अर्जुन नारायण औद्धव ये 2 जातियाँ हुई है जो कि अलग अलग क्षेत्र में, अर्जुन नारायण तो भरतपुर के अंदर अलवर में और औद्धव गंगानगर बीकानेर के क्षेत्र में भी विकसित हुई है। यह एक चामुंडा माता की उपासक थे तथा उसी को अपनी शक्ति की प्रमुख देवी मानते थे। ये जैन कथाओं के अनुसार अर्जुन नारायण औद्धव ने शकों और कुषाणों को का मोर्चा नेतृत्व किया था आदि।
इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करे, वीडियो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट अवश्य करें।